मंत्रिमंडल के साथी प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी जी, ममता भूपेश जी, विधायक गोपाल मीणा जी, अमीन कागजी जी, रफी खान साहब, अमित चाचा, मेयर साहिबा मुनीश गुजर, आदरणीय विधायक गंगा देवी जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अभय कुमार जी, कुलदीप नाका जी और तमाम या हमारे विभिन्न कंपनियों के जो गैस कंपनी है उनके अधिकारी भी आए हैं और गैस एजेंसियों के ओनर भी आए हैं। मुझे खुशी है कि उनकी प्रेजेंस के अंदर ये आज प्रोग्राम हो रहा है और ऊपर से तमाम हमारे भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जब मैंने अनाउंस की थी मालाखेड़ा के अंदर अलवर में, तो किसी को विश्वास हुआ, किसी को प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तब एक बार महंगाई का दौर चला था, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त में कोशिश की गई कि पेट्रोल डीजल गैस के कुछ दाम कम हो। हमारे उस वक्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जो कांग्रेस के थे कि आप सबको आगे आके महंगाई का दौर है, दरें कम करनी चाहिए। अधिकांश राज्यों ने पेट्रोल की कर दी, डीजल की कर दी और 25 रुपये का उन्होंने शायद कहा था, 25 से 50 में भूल गया हूँ, वो मामूली 25 रुपये किसे कहते हैं, वो कम करने की बात थी। उसका भी भार आ रहा था कोई 100-125 करोड़ रुपये, वो मैंने घोषणा कर दी राजस्थान के अंदर। मेरे पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के फ़ोन आए कि हमारा मंत्रिमंडल के लोग तो स्वीकार कर नहीं रहे कि कैसे हम कर पाएंगे, बहुत बड़ा भार पड़ेगा हमारे ऊपर, तो पेट्रोल का कर देंगे, डीजल कर देंगे, गैस के नहीं करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि राजस्थान सरकार हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर प्रोग्रेस रही है, इसलिए हमने उस जमाने में गैस के कम किए थे, इस बार सीधा 1140 रुपये से सिर्फ 500 रुपये कर देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। स्कीम भारत सरकार की ये उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उन्होंने शुरू करी है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए उज्ज्वला योजना चालू करी। पर 400 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ते 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 बस 1140 का हो गया, तो आप बताइए इतना महंगा सिलेंडर वो गरीब परिवार कैसे खरीद सकते हैं। स्कीम उनकी है, यही फर्क है बीजेपी के अंदर कांग्रेस के अंदर, हम उन्हीं स्कीमों को बंद नहीं करते हैं। ये उदाहरण है उज्ज्वला का, तो उनकी स्कीम को हम सपोर्ट कर रहे हैं और वो जब सरकार में आते हैं तो हमारी रिफाइनरी बंद कर दी। रिफाइनरी आज़ादी के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा राजस्थान के अंदर, उसको 5 साल बंद रखा, वो 38,000 करोड़ की प्रोजेक्ट थी, आज वो जो है 72,000 करोड़ की प्रोजेक्ट बन गई। बताइए आप कितना बड़ा नुकसान हुआ जनता को, काम की रुकना नहीं चाहिए। वसुंधरा जी ने शुरू करी ERCP, 13 जिले की योजना है पीने के पानी की, उसमें जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, करौली, माधोपुर, भरतपुर, अलवर, माधव टोंक सब आते हैं उसके अंदर। उनकी योजना है, सरकार बदल गई, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग चलती रही उस जमाने से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ने वादे किए जयपुर में, अजमेर में, कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण देखूंगा। 15-13 जिलों के नाम बोले वो खुद, क्योंकि चुनाव आ रहे थे,
अब आप बताइए, अभी प्रधानमंत्री जी आए अजमेर में, मुझे उम्मीद थी कि वो घोषणा करेंगे, नहीं करी। रांची परियोजना बन जाती है तो 2-3 साल में काम पूरा हो सकता है, जनता को लाभ मिल सकता है, पीने के पानी मिल सकता है। हम लोगों ने 13,000 करोड़ फिर भी रखे हैं, योजना को बंद नहीं कर रहे, आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी काम रुकने नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, चुनाव में कोई जीतता है, माई बाप तो आप लोग बैठे हो, पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है। लोकतंत्र में माई बाप वो है, लोकतंत्र के जिनको चाहते हैं वो सत्ता सौंपते हैं। और ये 75 साल हो गए देश को आज़ादी के, हमें हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ वोटों का राज कायम रहा, इसलिए महिलाओं का, गरीबों का मान सम्मान कायम है। अगर वोटों के मालिक आप नहीं हो, एक वोटों के धनी नहीं हो, तो जनता को कौन पूछे। ये है लोकतंत्र, जिसमें बड़े से बड़े प्रधानमंत्री, मंत्री, MLA, MP, सरपंच को जाके बूढ़े लोगों के पैरों में हाथ लगाना पड़ता, गरीबों के भी आशीर्वाद मांगना पड़ता, ये खास है तुम्हारी। मुझे खुशी है कि बचत रहा तो बजट को लेके ये जो कार्यक्रम हमने अनाउंस किए थे, बजट की थीम वही थी, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, भयंकर महंगाई। और ये योजना भी मैंने राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान ही माला खेरा अलवर मैंने पब्लिक मीटिंग में घोषणा की है इसका भी, क्योंकि पूरी यात्रा मैंने देखा, जो मिलने आ रहे थे राहुल गांधी से, सब कह रहे थे अब त्राई त्राई मची थी महंगाई की, बहुत महंगी बेरोजगारी की, रोजगार हम दे रहे हैं लाखों लोगों को, 1.5 लाख से ज़्यादा दे दिया, 1.5 लाख का प्रोसेस चला लगभग, और 1 लाख मैंने और घोषणा करी है। तो थीम मैंने वही रखी है, महंगाई, बेरोजगारी, और देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहे, नॉन वायलेंस हो देश के अंदर, ये उनकी थीम थी। चौथा पॉइंट था गरीब और अमीर जो है उसके बीच में खाई बहुत बढ़ जाती है, गरीब रहता है, अमीर बढ़ता ही जाता है, ये नहीं होना चाहिए, उनकी थीम थी। चारों पॉइंट को लेके मेरा बजट पेश किया मैंने, और मुझे खुशी है 10 स्कीमों का, महंगाई राहत शिविरों में करीब 40-50 में जा चुका हूँ, करीब करीब 4-5 जिले बाकी रहे होंगे, पूरी राजस्थान घूम चुका हूँ मैं। आज ही मैं आया हूँ तो बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली, जोधपुर जाके आया हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि सब जगह महंगाई राहत शिविरों में जो उत्साह है लोगों के अंदर, बूढ़े औरतें आदमी आते हैं, कोई पेंशन को लेकर खुश हैं, कोई गैस सिलेंडर को लेकर खुश हैं, 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट बिजली, नरेगा का 125 दिन। शहरों में नरेगा कहीं नहीं है देश के अंदर, इक्का दुक्का जगह होगा, यहाँ इंदिरा गांधी के नाम से उसको भी किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, ये मौका है, इसका लिंक है गैस कनेक्शन से, गैस LPG से, जितना धुआं उड़ता है, ये धुआं बहुत खतरनाक है, ये आप बहनों माताओं आपके लिए है ही खतरनाक, पर दुनिया के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वायुमंडल में, उसे पर्यावरण बिगड़ता है। आज जो बिना मौसम की बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है, अंदर चलते हैं लोग मर गए, 8-10 लोग तो मर गए, पेड़ गिर जाते हैं, ये पूरी दुनिया में जो मौसम बदल रहा है, ये पर्यावरण बर्बाद होने से बिगड़ रहा है। पूरी दुनिया चिंतित है आज के ज़माने के अंदर, जब पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होते हैं 1 साल में 1 बार रियो के अंदर, चिंता करते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया गर्म हो रही है, ये चिंता है दुनिया के मुल्कों में, ये विज्ञान की बात है, उसके अंदर पूरी दुनिया चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग होती जाएगी, पता नहीं दुनिया का क्या होगा। हर परिवार का कर्तव्य हम वृक्ष लगाएं, वातावरण को शुद्ध रखें, इसीलिए LPG है, धुआं नहीं उठना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने मान लो एक फैसला किया कि गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है, अच्छी बात है,
हमने समय सेव किया उनका, आज वो आप कीमत बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो अपना खजाना भरने के लिए। पेट्रोल के, डीजल के, गैस के जो दाम है ये क्यों बढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के मुल्कों से तेल आता है हमारे यहाँ, कच्चा तेल, और कच्चा तेल आता है वो टैक्स लगता है उसके ऊपर, वो टैक्स बंटवारा होता है राज्यों में, हमें भी उसका बंटवारा मिलता है हिस्सा, वो तो कर दिया जीरो, नहीं के बराबर, और नया टैक्स लगा दिया, वो टैक्स खाली खजाना भरता केंद्र सरकार का, राज्य को नहीं मिलता, राज्य चाहे कोई हो, राजस्थान की बात नहीं है। ये जो उनकी सोच है भारत सरकार की, मैं समझता हूँ उचित नहीं है, उचित नहीं है, उसी उनका काम चल रहा है। हमें तो कहते हैं कि देश दिवालिया हो जाएगा राजस्थान की स्कीमों से, अरे देश दिवालिया नहीं हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी दिवालिया हो जाएगी। इसलिए कि जिस प्रकार उनकी सोच है वो दिवालियापन की सोच है, दिवालिया कोई पैसे से नहीं होता, सब पैसे से नहीं होते हैं, दिवालिया का मतलब दिमाग जो है वो जिस प्रकार सोच रखता है वो देश हित में नहीं है। वो देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, हजारों जाति हैं यहाँ पर, अलग अलग बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। हम जानते हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती होती क्या है, क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आता, हमें देखते नहीं आप लोग। इतने बड़े मुल्क को एक रखना, अखंड रखना कोई मामूली बात है क्या? इंदिरा गांधी जी जान दे दी, एक महिला थी, आप महिलाएं बैठी हुई है, इनको गर्व होना चाहिए, महिला ने राज किया देश के अंदर 17 साल तक लगभग, दुनिया को बता दिया कि एक आयरन लेडी, लोहे की तरह मजबूत लेडी राज करी देश के अंदर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, वो लेडी थी वो, उसी ने पर्यावरण की चिंता की दुनिया के अंदर सबसे पहले। हमें गर्व है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मैं भी उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, डिप्टी मिनिस्टर था, उनकी सोच मुझे मालूम है किस प्रकार पर्यावरण को लेकर के पहली आवाज उठाई है दुनिया में, उसका नाम इंदिरा गांधी था, आज वो पर्यावरण दिवस है। और आज के दिन हम लोगों ने तय किया DBT करेंगे महिलाओं को, और ये स्कीम 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है, हमने वादे किए, वादे निभा रहे हैं, स्कीम 1 अप्रैल लागू हो गई। जो जो करवा रहा, रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसको पैसा मिलता जाएगा, 500 रुपये में उसका गैस सिलेंडर ने वादा किया, उसने खरीदा है 1140 रुपये मान लीजिए अप्रैल में या मई के अंदर, अभी अप्रैल की बात मैं कर रहा हूँ, करीब 20 लाख लोगों ने खरीदा है, डाटा हमें दिया नहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार ने, आधा जरूर देने की बात करी, हम जो यहाँ बैठे हैं पर एजेंट जो हैं गैस एजेंसी के जो मालिक हैं उनके सहयोग से, कंपनियों के सहयोग से डेटा लेकर के, डेटा को चुक चुक करके इकट्ठा कर रहे हैं, 14 लाख डेटा इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बटन दबाऊंगा, बटन दबाते ही 60 करोड़ रुपया उनके खाते में चला जाएगा। ये भी राजीव गांधी की देन है, ये जो प्रधानमंत्री 40 साल की उम्र में बन गए प्रधानमंत्री, नौजवान थे वो, उनका सपना था देश में विज्ञान में IT में क्रांति होनी चाहिए। आज ये DBT क्यों हो रही है, कभी सोचा आप लोगों ने? ट्रेन का टिकट हो चाहे वो हवाई जहाज का टिकट हो, सरकार चलती है तो IT चलती है, सारी फाइलें आगे तो चीफ सेक्रेटरी उदास समझ बैठी है, ये मेरे पास फाइलें भेजती है तो फाइलें नहीं आती है, कंप्यूटर से ही आता है, ये कंप्यूटर की क्रांति है, इस प्रकार से फाइलें गैदर होती है, क्रांति होगी देश के अंदर। मोबाइल फोन में महिलाओं को दे रहा हूँ सबको, महिलाएं बहनें माता सुन लो, जो चिरंज योजना में आप भागीदार बनी हैं, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं है क्या इलाज फ्री आपका? और तो स्वास्थ्य का अधिकार कानून बन गया हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर, जिधर सोनिया गांधी जी ने, राहुल और मनमोहन सिंह ने बनाया कानून, शिक्षा का अधिकार,
फूड सिक्योरिटी का अधिकार 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल, नरेगा महानरेगा RTI उसी ढंग से हमने कानून बना दिया राजस्थान में, राइट टू हेल्थ, मतलब प्रदेशवासियों का सबका, आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करने का काम सरकार का है। पहले सर्दी जुकाम में 5 रुपये खर्च हो जाते थे, अब चाहे 5 लाख खर्च हो या 20 लाख खर्च हो। मुझे मिले अभी एक कैंसर का पेशेंट था जयपुर में, गया एक अंत्येष्टि के अंदर, कुछ जत्सा भी अंत्येष्टि थी, वहाँ मुझे मिले भाई साहब मेरे तो जो कर्मचारी था और कैंसर हो गया, 17 लाख का खर्च आया, एक नया पैसा उसको नहीं लगा। 5 लाख का, 2 लाख, 10 लाख तो मैं रोज सुनता ही रहता हूँ। ये इतना बड़ा 25 लाख का आपका बीमा किया, सब लोगों को जो कैंप लगाए जा रहे हैं, क्यों कैंप लगाए जा रहे हैं, सब जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाओ। आज 20 लाख लोगों ने खरीद लिए गैस, LPG खरीद लिया अभी, जो उज्ज्वला योजना के हैं, पर रजिस्ट्रेशन करवाया खाली आपने अभी 14 लाख का करवाया, 14 लाख का पहले आज पहुँच जाएगा। और इसमें चाहे जून में करो आप, तो पैसा आपको अप्रैल से मिलेगा, जो वादा हमने किया है। 1 अप्रैल से स्कीम लागू हुई है, 1 अप्रैल स्कीम लागू हुई है, तो अप्रैल का एक सिलेंडर, मई का एक सिलेंडर, उसका पैसा 1 साल मिल जाएगा आपको। इस प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं कि कई लोग लापरवाही में रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं हैं। अभी 2 बच्चों की डेथ हो गई एक्सीडेंट के अंदर, एक बच्चे के परिवार वालों ने करवा रखा था रजिस्ट्रेशन चिरंजीवी योजना का, उनको 5 लाख मिल गए। उसी एक्सीडेंट में दूसरा बच्चा था, उसके परिवार ने नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन, उनको 5 लाख नहीं मिले, छोटी सी गलती से। और फ्री रजिस्टर हो रहा है, अधिकांश लोगों को एक नया पैसा नहीं देना पड़ रहा है, जिनको देना पड़ रहा है सिर्फ 850 रुपये, वो भी हमने क्या रखा है, अगर कोई क्या मेरे पास 850 ही नहीं है तो मैंने क्या रखा कलेक्टर को, तुम दे दो, इंतजाम कर दो कहीं से लेकर के, उसका रजिस्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। कहने का मतलब पूरी पब्लिक का, राजस्थान के प्रदेशवासियों का, सबका रजिस्टर होना जरूरी है, ये हमने कह रखा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये जो स्कीम आपकी है, स्कीम है आपकी, ये कोई चुनाव के लिए नहीं है, ये स्कीमें परमानेंट है। 25 लाख का बीमा परमानेंट है, 25 लाख कभी 30 का हो सकता है, 20 का नहीं होगा, दिमाग में रखो आप लोग। इसी प्रकार से जो हमने स्कीम बनाई है, एक प्रकार से परमानेंट है, कोई महंगाई बहुत कम हो जाए, आप लोग खुद ही महसूस करो, कोई जमाना 5-10 साल बाद में आए कभी, मान लो उस पर क्या सरकार निर्णय करती हो, तो उस पर ज्ञान है। पर हमारी सोच जो है वो है सोशल सिक्योरिटी, सुन लीजिए आप लोग साहब, सोशल सिक्योरिटी, सामरिक सुरक्षा दुनिया के मुल्कों में है, वहाँ हर परिवार जो गरीब है, मध्यम क्लास का है, वो चिंता नहीं करता है, ऑटोमेटिकली सरकार उस परिवार का खर्चा देती है, खर्चा चलाने के लिए, घर चलाने के लिए। हमारा इतना बड़ा मुल्क है, आबादी बड़ी है, सरकारी मजबूरियाँ हैं, परंतु आज वक्त आ गया है, मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी कानून बनाओ। हम कभी 6,000 रुपये देते हैं किसान को 3 किस्तों में, हम 1,000 रुपये देते हैं पेंशन कर दी मैंने, बढ़ा दिया अभी 12,000 हो गए साल के, उसी में खुश हैं लोग, मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश तब होऊंगा, मजदूर भी जो है जब बूढ़ा हो जाता है तो वो मजदूरी नहीं कर सकता है, वो मजदूर ठेले वाला कोई हो जो सुबह शाम कमाते हैं शाम को खाते हैं, ऐसे लोग बुढ़ापे के अंदर हो सकता है उनके बेटे पोते भी ऐसी स्थिति में नहीं हो उनका ध्यान रख सके, उस वक्त में भी उनको सिक्योरिटी हो सरकार की, कोई जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी या पेंशन मिलेगी, बिना सरकारी नौकरी भी उसको जितना जीवन चलाने के लिए पैसा आवश्यक है, चाहे 2,000 है चाहे 5,000 है महीने के, उनको ऑटोमेटिकली सरकार देवे, ऐसा कानून पास हो देश के अंदर,
कानून पास करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो भारत सरकार को कानून बनाओ ऐसा, कोई भेदभाव नहीं होगा देश के अंदर। अभी तो कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, कोई राज्य 1.5 हज़ार दे रहा है, सबको एक सा पैसा मिले देश के अंदर और सब सुखी रहे, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब है घर में खुशी महसूस होती है हर परिवार में। अभी मिजोरम स्टेट है देश के अंदर, वो ऐसा राज्य है देश के अंदर नंबर वन राज्य है जहाँ सब लोग खुश रहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई खुश भी है, कोई दुखी भी है, कोई तकलीफ में भी है, तो सरकार को चाहिए खुशी की तरफ लोगों को बढ़वाए और तब मिलेगी, तब सिक्योरिटी मिलेगी। मैंने ओपी लागू क्यों करी थी, ओपी लागू करना बहुत बड़ा फैसला है, पूरे देश में चर्चा बन गई है। सरकारी नौकरी जानते हैं उनकी पेंशन सिक्योर हो गई, अब बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी मिलेगी। नई पेंशन लागू करी वो सिक्योरिटी नहीं थी उनकी, पता नहीं रिटायरमेंट के बाद में पेंशन कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, शेयर मार्केट तय करेगा। हमने आज इतना बड़ा फैसला किया, माननीय दृष्टिकोण से किया है, RGHS दे दिया उनको, कर्मचारियों को भी इलाज फ्री उनका भी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, ये जो राइट टू हेल्थ का कानून पास हमने किया, भारत सरकार को चाहिए कि थोड़ा एग्जामिन करवाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इस मुबारक मौके पर इस मंच से, क्योंकि पूरा राजस्थान सुन रहा है इसको, मैं कहना चाहूँगा आप कृपा करके प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाया कि भाई जो एक बार आपने सोच लिया वही आप उसी पे कायम रहें। लोकतंत्र में जिद का कोई स्थान नहीं होता है, प्रधानमंत्री जिद्दी है, वो एक बार सोच लेते हैं उसी में जिद्दी अड़े रहते हैं। लोकतंत्र में जो फीडबैक मिले जनता का, जनता क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग टू अपना आपको बदलाव करते रहो दिमाग के अंदर, ये होना चाहिए। मैंने कहा प्रधानमंत्री को एक बार, हम लोग साथ ही खाना खा रहे थे टेबल पर राष्ट्रपति भवन में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी उस पर, वहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, आसाम के मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री अब तो चुनाव हार गए बेचारे, उन्होंने ठीक सलाह दी थी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो पीएल का हमें भी करने दो। प्रधानमंत्री ने कहा नो नो, ये फैसला नहीं उचित नहीं है। मैंने कहा बीच में बोल के, मैं कहा प्रधानमंत्री जी आप जरा इसको एग्जाम तो करवा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं मुख्यमंत्री साहब एग्जाम कर चुका हूँ, जिद पे अड़े रहे, जिद्दी है, आप देख लीजिए जिद का काम है। सरकार चलेगी हिमाचल में उनकी, सरकार चलेगी कर्नाटक के अंदर, और सरकारें जाएगी एक के बाद एक। लोकतंत्र में जिद किसी का नहीं चलता है, लोकतंत्र में घमंड अहम किसी का नहीं चलता है, लोकतंत्र में झुक झुक के प्रणाम करना पड़ता है। लोकतंत्र में पब्लिक के सामने, पब्लिक माई बाप है, उनके सामने झुको, प्रणाम करो, पर हाथ लगाओ, एक वोट का धनी होता, मालिक होता वो, उस वोट से हम जीते थे, चुनाव जीते थे। ये जो भावना है ये बदलाव होना चाहिए प्रधानमंत्री जी के दिलो दिमाग के अंदर, मैं उनसे मांग करता हूँ। तब जाके राइट टू हेल्थ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ऐसे क्रांतिकारी एक्ट आएंगे देश के अंदर, पूरे देशवासियों को बदलाव होगा, ये मेरा मानना है। लंपी रोग हुआ राजस्थान, वो राज्य है सबसे पहले कहा एक गाय मरी है तो 40,000 रुपये हम देंगे उस परिवार को, 40,000 रुपये देंगे, और गायों का बीमा कर दिया बाबा के लिए। दो गायें एक परिवार में, गाय या भैंस जो भी है उनका बीमा होगा, प्रीमियम हम देंगे, प्रीमियम उनको नहीं भरना है, उनको खाली बीमा का फॉर्मेलिटी करनी है कैंप में आकर के, ये जो महंगे रात वाले कैंप में। 40,000 का मतलब है दो गाय या भैंस मर गई बाय द वे, 80,000 मिल जाएंगे, नई भैंस खरीद लेंगे, नई गाय खरीद लेंगे वो। इस प्रकार से हमने फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी 3 महीने पहले कि लंपी रोग में जो गाय मरी है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, हम पहले ही कर चुके थे राजस्थान में, और जिसने पीए लगाई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पीए लगाई है, केस किया है,
लंपिनों में गाय वालों को मुआवजा दिलवाओ। उस संस्था ने भी तारीफ की राजस्थान की कि राजस्थान सरकार वो सरकार है जिसने पहले ही काम शुरू कर दिया। और अगले आज तो हम लोग कर रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए डीबीटी कर रहे हैं आपको 500 रुपये वाली। अगली जो मीटिंग होगी यहाँ पर या और कहीं होगी तो लंपी रोग के जो गाय मरी है 50,000, 60,000 जो भी मरी है उन सब के खाते में 40,000 रुपये जाएंगे के खाते करने जाएंगे। तो ये मैं कह रहा था आपको कि कहना होगा तो बहुत सारी बातें हैं पर मेरे ख्याल से काफ़ी बातें मैंने कह दी है। ऐसे में तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि बहुत कैंप शानदार चल रहे हैं, 1,43,00,000 परिवार तो जुड़ चुके हैं अभी और 6,44,00,000 कार्ड बन चुके हैं, अभी देखा आपने वीडियो। तो इतना शानदार उत्साह लोगों में है, धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि हम चाहेंगे कि, और ये पैसा किसका है, ये जो आपको दे रहे हैं ये कोई हमारे कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है कि मैं कमा रहा हूँ या और कोई कमा रहा है, पब्लिक का पैसा ही है। पब्लिक का पैसा टैक्स में लेते हैं हम लोग, वहाँ पर वो पब्लिक को दे रहे हैं। अब इसमें रेवड़ियाँ काय की हो गई, रेवड़ियाँ काय की हो गई। अच्छा कर्जा बता रहे, कर्जे होते हैं, सरकारें कर्जों नहीं चलती है, विकास जो होता है वो सिस्टम बन, वित्तीय प्रबंधन कहते हैं इसको, वित्तीय प्रबंधन कहते हैं। केंद्र सरकार खुद कर्जा ले रही है, कर्जा लेना बुरा नहीं है, ये कोई दुकान थोड़ी है कोई व्यापारी के कर्जा ले लिया वहाँ पर क्या होगा उसका। सरकारों का जो प्रबंधन है वित्तीय प्रबंधन, जो इनकम होती है आप लोगों से पब्लिक से, उसी का प्रबंधन किया जाता है। करोड़ अरबों रुपये इकट्ठे होते हैं, खर्च करते हैं वापस तनख्वाहों में भी, मजदूरी में भी, पेंशन में भी, तनख्वाहों में भी, और कर्जा लेते भी हैं, सड़कें बनती है, स्कूलें बनती है, कॉलेज बनती है, पर कर्जा ऐसा नहीं ले सकते कोई। मैं चाहूँ राजस्थान सरकार के लिए मैं 15,000 करोड़ कर्जा ले लूँ, मैं नहीं ले सकता, मैं 1 रुपया भी कर्जा नहीं ले सकता बिना भारत सरकार की परमिशन के। और भारत सरकार परमिशन तभी देती है, तभी आपकी वित्तीय स्थिति क्या है, आपकी चुकाने की हैसियत क्या है, तो कर्जा देना अलाउ, कर्जा वो नहीं देते हैं। अगर मैं कर्जा लेना जो मार्केट से भी बैंकों से भी मैं नहीं ले सकता हूँ, जब तक भारत सरकार का आदेश नहीं आए बैंकों के पास में, राजस्थान सरकार को आप 5,000 करोड़ का कर्जा दे दीजिए, सबकी लिमिट बांधी होती है। तो कर्जा भारत सरकार तभी देती है हर राज्य को, तब उस राज्य की स्थिति फिजिकल डेफिसिट कितना है, FRBM एक्ट बना हुआ है 5 के अंदर, उसके अंतर्गत फॉर्मूले बने हुए हैं, कर्जा मिलता था। तो कई बार ये लोग बातें फैलाते हैं हमारे विपक्ष के लोग, अब उनके क्या ऐसी स्थिति हो गई है, इस बार BJP की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो गई है क्योंकि उनके पास कहने कोई बात है ही नहीं। इतना शानदार हमने काम करने का प्रयास किया है, इतने शानदार सरकार में हमने फैसले किए हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, जो मांगा मुझसे कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, पानी की योजनाएं, JJM हर घर में नल पहुंच रहा है, और जयपुर में जल्दी ही आपको जब उन जल्दी गैस कनेक्शन बने घरों के अंदर, गैस कनेक्शन बनेंगे, LPG होती नहीं रहेगी आप। ये गैस सिलेंडर जो है ना आपका, इसकी जरूरत नहीं है, जो पाइप पानी का पाइपलाइन आता है, फिर गैस की पाइपलाइन आने वाली है आपके राजस्थान में, जयपुर में, कोटा में, कई जगह काम चल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत तेज गति से विकास हमने करने का प्रयास किया है और उसी ढंग से हम आने वाले वक्त में कोई कमी नहीं रखेंगे। इसलिए मैं आपको इस मुबारक मौके पर सबको बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेशवासियों को, और एक के बाद एक योजनाओं का लाभ जो है वो मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ये दिमाग में रखें आप। और उसी रूप में हम लोग, मैं समझता हूँ कि
फैसले लागू सब होंगे। जो फैसले हमने किए हैं किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, खाली फैसले कागजों के अंदर हैं। शो यूनिट बिजली का किया आपका फैसला, अभी बिल जो आ रहा आपका जून के अंदर, ये मई का बिल आएगा, अधिकांश लोगों के जीरो बिल आएगा, जीरो बिल आएगा आप लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद, धन्यवाद।